आज देश भर में होलिका दहन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। साथ ही अगले दिनों रंगों के साथ होली खेलकर प्रेम और भाईचारे के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। होली जैसे पावन पर्व के अवसर पर शहरवासियों ने होली पूजन और होलिका दहन के लिए जमकर खरीदारी की। लोगों द्वारा लकड़ी, कंडे, गेहूँ और चने की बालियां सहित अनेक सामग्री खरीदी गई, जिसे होलिका दहन कार्य में लिया जाएगा। हाँ, 2000 रुपये तो लागी लागी, एक छोटी सी बस्ती है 10 घर की, तो 2000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। चारों है, लकड़ी है, छाना है, ले हुआ और कहीं ले हुआ। फिर होली मंग लीजिए रात का 11 बजे, कल सुबह होली खेल लीजिए। कितने पूजा की पूजा है? पूजा ब्राह्मण करावे, पंडित जी है, महिला भी आवे, सब बच्चा बच्ची भी आवे, गली मोहल्ला का काल सब सब खेला हिल मिल जुल। होली का पर्व ना फर्स्ट क्लास मनावा। किस तरह का त्यौहार है, क्या त्यौहार है? आज हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, उसके लिए मैं होली की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं टांगे, चने, छोले और फूल माला, गोबर के कंधे और कुछ जो होली की पूजा करने के लिए लगे रहते हैं वो ले रहा हूँ। और रात को 11 बजे होली का दहन है, तो उसको हम उसको विधि विधान से पूजा करके करेंगे और सुख समृद्धि की देश के लिए शांति हो, प्रार्थना हो, उसकी प्रार्थना करेंगे। कल क्या किया जाए? कल हम रंग खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे, सूखी होली खेलेंगे, कलर वाला, पानी वाला कलर जो रहेंगे, नेचुरल कलर से होली मनाएंगे। क्या खेलने आते जनता को शांति शांति के लिए? शांति के लिए तो सब जगह सब जगह प्रेम हो, सौहार्द हो, उसी के लिए हमारी प्रार्थना है। और शांति से सब जगह प्रेम से हर्ष उल्लास से होली मनाएंगे। आपका नाम? मेरा मुकेश उपाध्याय। कौन सा पर्व है, किसने मनाया? आज ये फागुन मास की ये पूर्णिमा के अंदर होली का पर्व मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये पर्व मनाया जा रहा है। और आज हम यहाँ पर आगरा गेट के ऊपर ये होली की जो सामग्री है, यहाँ पर ये लकड़ियाँ हैं, कंडे हैं और ये घास है, तो ये लेने के लिए आए हैं, जिससे शुभ मुहूर्त के अंदर होली का स्थापित की जाए। यहाँ शिव आंगन लोहा गल पंचशील रोड से आए हम, और यहाँ पर काफ़ी मात्रा के अंदर यहाँ पर ये सामग्री मिल रही है, तो इसको लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। होली का दहन से पूर्व महिलाएं और बच्चे और सब बिड़गुलियों की माला लेकर, हाथ में लेकर और पूजन सामग्री लेकर निकलते हैं और वहाँ पर होली को पूजते हैं, दीपक जलाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और जल के छींटे देते हैं, और उसके बाद में होली की पूजा की जाती है। वास्तव में वो हम प्रहलाद की और होलिका की पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रहलाद के रूप में डांडा रूपी प्रहलाद को भी वहाँ पर हमने स्थापित किया हुआ होता है। तो कल क्या करेंगे? होली का दहन के बाद आज जैसे कि अभी कई ज्योतिषाचार्यों से हमारे को पता चला कि भाई, पंडितों से पता चला कि भाई होली का दहन का शुभ मुहूर्त 11:15 बजे के बाद है, तो उसके पश्चात ही रंग उत्सव प्रारंभ हो जाएगा और सब एक दूसरे को रंग लगाएंगे, शुभकामनाएं देंगे, फूलों से भी होली खेलेंगे और अच्छे रंगों का प्रयोग करेंगे, नेचुरल कलर का, जिससे स्किन संबंधी कोई भी परेशानी भी नहीं हो सकती। आपका नाम? मोहनलाल कौशिक, शिवांगन।